वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेगमेंट में पांच वर्ड्स हैं। आज का पहला वर्ड है इलीगल। इलीगल प्रोनाउंसिएशन ऊपर लिखा हुआ हिंदी में। दूसरा इलेजिबल। तीसरा इलिटरेट, इनऑडिबल एंड इनविजिबल। देखिए लीगल वर्ड होता है एल ई जी एल। इस लीगल वर्ड को निगेटिव बनाने के लिए इसके पहले एल और एल के पहले आई जोड़ देते हैं। जो वर्ड्स एल से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे देखिए इलीगल, इलेजिबल एंड इलिटरेट। इनमें क्या किया कि जो वेट से शुरू हो रहा है उसके पहले एल और एल के पहले आई डालकर निगेटिव बना दिया। लीगल का अपोजिट कर दिया इलीगल। ऐसे ही लेजिबल होता है, लीगल मतलब वैध होता है, इलीगल करके अवैध कर दिया। लेजिबल होता है, लेजिबल मतलब जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, पठनीय बोलते हैं उसको, और इसको निगेटिव अपोजिट करके आई एल जोड़ का अपोजिट किया और उसको भी अपोजिट कर दिया, अपठनीय कर दिया। लिटरेट आप जानते हैं मतलब साक्षर, लिटरेट मतलब साक्षर, पढ़ा हुआ। अब इसको निगेटिव करके इलिटरेट कर दिया, प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं निरक्षर या अनपढ़। फिर यहाँ पे देखिए ऑडिबल, ऑडिबल मतलब श्रव्य, सुनने योग्य। अब इसका उल्टा इन लगा के बनता है तो इन ऑडिबल कर दिया, अश्रव्य। ऐसे ही विजिबल, दृश्य, देखने योग्य। अब इसका निगेटिव किया है, अपोजिट किया है इन लगाकर, इसे बोलते हैं इनविजिबल। तो इस तरह से पांच वर्ड्स इलीगल, इलेजिबल, इलिटरेट, इनऑडिबल, इनविजिबल हैं। अब कभी मिस स्पेल्ड में आ जाए इनका मेन वर्ड ही तो आप स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। लीगल आए, चाहे लेजिबल आए, चाहे लिटरेट आए, या इनका अपोजिट आए जो हमारे सामने है, तो आप दोनों पक्ष को ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग भी याद। लेजिबल मतलब पठनीय होता है, याद रखेंगे आप, बाकी सब तो आपको याद होगा। देखिए इलीगल मतलब अवैध, वैध नहीं। वैध नहीं मतलब कानून के अनुसार नहीं, कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब लॉ के विपरीत, कानून के विपरीत, इसको बोलते हैं अवैध। कॉन्ट्रेरी के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, यह भी ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन सेगमेंट में बात कर लेते हैं तो कॉन्ट्रेरी जो वर्ड है ये डिमांड करता है टू प्रेपोजिशन को, तो कॉन्ट्रेरी टू लॉ हो गया इलीगल। नेक्स्ट वन इज इलेजिबल, अपठनीय। दैट विच कैंट बी रीड, वह जो पढ़ा नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं अपठनीय। मतलब आप देख रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, इतना अस्पष्ट है, तो बोलते हैं कि इलेजिबल है। जब आसानी से पढ़ लेते हैं तो अगर इसका पिक्सल्स आप 144 से नीचे कर देंगे, होता नहीं है ऐसे, 144 तक भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को, तो आप कहेंगे कि या नेटवर्क आपका वीक हो तब आप इसको देख नहीं पाएंगे, कहेंगे कि इलेजिबल है। लेकिन यही जो आप देख रहे हैं वीडियो, इसका पिक्सल्स 144 या 240 हो या इसके ऊपर हो तो आराम से आप देख सकते हैं, तो वो लेजिबल होगा, पठनीय होगा। ऐसे ही लिटरेट का अपोजिट इलिटरेट, अनपढ़ या निरक्षर। वन हु कैन नीदर राइट, रीड और राइट। वन हु, वह जो कैन नीदर मतलब नहीं रीड कर सकता है और न ही राइट कर सकता है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है उसे कहते हैं अनपढ़, इलिटरेट। देन इज इनऑडिबल, अश्रव्य। दैट विच कैंट बी हर्ड, वह जो नहीं सुना जा सकता है बोलते हैं इनऑडिबल, अश्रव्य। देन द लास्ट वर्ड इज इनविजिबल, अदृश्य, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन मतलब देखने में असमर्थता जब होती है तो बोलते हैं कि वो वस्तु इनविजिबल है, नहीं दिख रही है, देख नहीं सकते हैं हम। तो इस तरह से पांच वर्ड इलीगल, इलेजिबल, इलिटरेट, इनऑडिबल, इनविजिबल हैं। थैंक यू।